दोस्तों, यूपी कैटेट का जो है फॉर्म आ चुका है और जो भी इंटरेस्टेड हैं बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर, बीटेक एग्रीकल्चर या फिर एमटेक एग्रीकल्चर, फिर पीएचडी कोर्सेज के लिए, तो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसका जो है डेट आपका स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जो है आपका 20 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है और 31 मार्च तक आपका शाम के 6 बजे तक फॉर्म भर सकते हैं। और जो है फीस जमा करने की तिथि दिया है 1 अप्रैल 2020 तक। और फॉर्म आवेदन पत्र संशोधन की तिथि आपकी 2 से 6 अप्रैल तक दिया है, शाम 6 बजे तक। उसके बाद आपकी अगली दिया है कि आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं 1 मई से, और प्रवेश की तिथियाँ आपका जो है प्रवेश परीक्षा की तिथियाँ तो आपका 14, 15 और 16 मई को एग्जामिनेशन डेट दिया हुआ है, और संभावित तिथि दिया है रिजल्ट घोषित करने की 31 मई। उसके बाद आपका फिर काउंसलिंग का डेट है, और फिर उसके बाद काउंसलिंग में ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, तो ये सब आपकी इम्पोर्टेंट डेट दिया हुआ है। बात करते हैं फॉर्म, इसके बारे में थोड़ा डिटेल बात कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे कैसे फॉर्म भरना है। तो इसमें ये देखिए सबसे पहले कि आपका जो फॉर्म है ऑनलाइन भरा जा रहा है, और फॉर्म भरने के लिए आपको जो यूपी कैटेट एग्ज़ाम करा रही है एनसीएसए, मतलब चंद्रशेखर आज़ाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है कानपुर में है, वो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, और उसका एक फॉर्म भरने के लिए एक वेबसाइट दिया गया है जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा होगा, upcatet.org। तो इस पे आप जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आपको जाननी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्पेशल ग्रुप के अनुसार अलग अलग ग्रुप को अलग अलग ग्रुप में फॉर्म भरना है, क्योंकि इंटरमीडिएट में आपका जो जो स्ट्रीम होता है, किसी का एग्रीकल्चर होता है, किसी का बायोलॉजी होता है, किसी का मैथमेटिक्स होता है, और कुछ लोगों का होम साइंस भी होता है, तो उनको अपने ही ग्रुप में भरना है फॉर्म। सबसे पहले फॉर्म भरने से पहले आपको ये डिटेल आपको जान लेनी चाहिए कि क्या एलिजिबिलिटी है और किस किस कोर्स में आप के लिए आप एलिजिबल हैं, कौन कौन से कोर्स डाल सकते हैं। और डालने से पहले आपको मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस रखना आपके पास, क्योंकि मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आपका होना चाहिए, क्योंकि इस पे जो है आपका एसएमएस वगैरह या फिर मेल वगैरह आता रहता है, जो आपका अपडेट होता है वो आपके मोबाइल पे या फिर मेल पे आता रहता है, जिससे आप अपडेट रहेंगे, आपको पता चलता रहेगा क्या करना है, आगे कब आपका एडमिट कार्ड आया, कब एग्ज़ाम होगा, तो उस पर भेजते रहता है। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण टेलीफोन नंबर दिया हुआ है आपका हर यूनिवर्सिटीज़ का, और इसमें देखिए जब आप एडमिशन ले लेंगे तो उसमें कुछ स्कॉलरशिप मिलता है, तो आपको स्कॉलरशिप के बारे में बता देते हैं। देखिए इसमें पहला है यूनिवर्सिटी मेरिट स्कॉलरशिप फॉर यूजी पीजी एंड पीएचडी स्टूडेंट वेरिएबल एज पर द रूल्स ऑफ कंसर्न यूनिवर्सिटी। ये अपना यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से, हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग रूल्स होता है, उसके अनुसार अपना देती है। दूसरा जो आपका यूजीसी फेलोशिप है, उसके लिए आपको राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप फॉर SC/ST PhD स्टूडेंट के लिए मिलता है, तो ये 25,000 पर मंथ मिलता है, ये यूजीसी आपको देती है। उसके बाद है आपका तीसरा ICR फेलोशिप जो है, ये ICR देता है, तो जो ICR के माध्यम से एडमिशन होता है, उसके माध्यम से जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं उनको ये मिलता है स्कॉलर फेलोशिप। जैसे आप जैसे पहले ये लिखा है जूनियर रिसर्च फेलोशिप फॉर मास्टर प्रोग्राम, आप ICR के थ्रू अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आपको JRF मिलता है, वहीं जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो आपको 6,840 पर मंथ मिलता है, और अगर आप ICR के माध्यम से PhD में एडमिशन लेते हैं तो आपको 12,000 पर मंथ मिलता है।
शुरू के 2 ही साल और 2 साल के बाद 14,000 पर मंथ। और नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप मिलता है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। और पांचवा आपका यूपी मंडी परिषद स्कॉलरशिप फॉर यूजी एंड पीजी एंड पीएचडी स्टूडेंट। तो इसमें ये होता है कि जो मार्जिनल फार्मर्स या फिर जो सीमांत या लघु किसान हैं उनके जो बेटे पढ़ते हैं तो उनको मंडी परिषद के नाम से एक स्कॉलरशिप दिया जाता है, जिसमें उनके इंटरमीडिएट जो एडमिशन मतलब बीएससी में लिए हैं तो उनको इंटरमीडिएट के मेरिट के आधार पर मिलता है, और जो एमएससी में लिए हैं उनके बीएससी के मेरिट के आधार पर मिलता है। तो यूजी पीजी के लिए 3,000 पर मंथ और पीएचडी के लिए 6,000 पर मंथ मिलता है। और यूपी गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप आप सभी जानते हैं कि यूपी जो सरकार देती है वो उसका है। तो ये आपका स्कॉलरशिप हो गया। उसके बाद प्लेसमेंट भी होती है यूनिवर्सिटी से, आप क्योंकि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे डिमांड रहता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द डिमांड फॉर ट्रेंड प्रोफेशनल इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एनालिटिक्स इंडस्ट्री इज वेरी हाई। ए स्टूडेंट में गेट वेल पेइंग जॉब राइट आफ्टर ग्रेजुएशन। तो इसमें देखिए कुछ पोस्ट हैं जिसपे होता है प्लेसमेंट, जैसे हम बता रहे हैं आपको, जैसे प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर है इस पे होता है, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर है, कुछ प्राइवेट कंपनियां ले जाती हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर है, फार्म मैनेजर है, टेक्निकल ऑफिसर है। तो यहाँ पे प्लेसमेंट होता है क्योंकि कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं जो प्लेसमेंट करती हैं। तो आप प्लेसमेंट में भी जा बैठ सकते हैं डिग्री कंप्लीट होने के बाद। उसके बाद ये डिटेल दिया है कि किस प्रोग्राम में किस यूनिवर्सिटी में कितने सीट हैं, तो नंबर ऑफ सीट एंड मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो देखिए ये कानपुर का यूनिवर्सिटी, यहाँ पे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए 77 सीट है जो फ्री है, पेड सीट पे 25 है। तो ये आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा आपको, या फिर कहेंगे तो उसमें दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस यूनिवर्सिटी में कितने सीट हैं। और देखिए मेन चीज़ एलिजिबिलिटी की है, मिनिमम मिनिमम जो क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी है। देखिए आप एग्रीकल्चर से मतलब बीएससी में जाना चाहते हैं तो आप मैथ से पढ़े हों, बायो से पढ़े हों, चाहे एग्रीकल्चर से पढ़े हों इंटर में, तो आप जा सकते हैं बिल्कुल। आपको बस एग्ज़ाम देना होगा, अपने अपने ग्रुप में एग्ज़ाम देना होगा और उसके आधार पर रैंक बनती है। फिर रैंक के आधार पर आपको चॉइस ऑप्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको सीटें आवंटित की जाती हैं। तो वो टोटली डिपेंड करते हैं आपके रैंक पे। आप सभी एलिजिबल हैं, जो भी मैथ से पढ़ा हुआ है, चाहे बायो से पढ़ा हुआ है, चाहे एग्रीकल्चर से पढ़ा हुआ है, चाहे पीसीएमबी या नहीं मैथ बायो दोनों से पढ़ा है, ठीक है? तो सब एलिजिबल हैं सारे कोर्स के लिए जो यूजी में हैं। बस कुछ कोर्सेस होते हैं जैसे वेटनरी साइंस है शायद इसमें, हाँ इसमें देखिए बायोलॉजी ही मांगा है। एक इंटर में जो वेटनरी साइंस है उसमें बायोलॉजी ही मांगा है। आप उसमें मैथ से पढ़े हों तो नहीं जा सकते हैं, फिर एग्रीकल्चर से पढ़े हों तो उसमें आप नहीं जा सकते हैं। बाकी में आप सभी के लिए मौका है। और बीएससी जो होम साइंस है उसके लिए आप जो होम साइंस इंटर पढ़ा है वो होम साइंस भी दे सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं। फिर बीटेक के लिए है, आपको बीटेक के लिए आपको मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो आपका पीसीएम या पीसीएमबी ये होना चाहिए। इसमें आपको जो बीटेक एग्रीकल्चर है उसके लिए इंटर में एग्रीकल्चर है तभी भर सकते हैं, लेकिन जो अदर ब्रांच है जैसे सिविल है, मैकेनिकल है और इलेक्ट्रॉनिक है और भी अदर है, तो उनके लिए आपको पीसीएम ही चाहिए या पीसीएमबी। और डेयरी या फूड है इसके लिए आप एग्रीकल्चर समेत तब भी ऑप्ट कर सकते हैं। और ये आपका जो मास्टर डिग्री है इसमें एमएससी कम्युनिटी साइंस है, एग्रीकल्चर है, तो ये आपका जिस डिसिप्लिन में आप यूजी हैं उसी डिसिप्लिन में आप मास्टर डिग्री कर सकते हैं। तो वो उसके लिए एलिजिबिलिटी अपना हो गया कि एमएससी एग्रीकल्चर करना है तो आप बीएससी एग्रीकल्चर होने चाहिए। तो ये है आपका, तो ये हो गया आपका जो कोर्सेस हैं। पीएचडी में भी वही है, पीएचडी कोर्सेज में आपका उसी डिसिप्लिन में आप कर सकते हैं जिस डिसिप्लिन में आप मास्टर डिग्री हैं। तो यहाँ देखिए पीएचडी इन एग्रीकल्चर है, पीएचडी इन हॉर्टिकल्चर है, तो आप अगर मास्टर डिग्री कंप्लीट किया है तो पीएचडी कर सकते हैं।
आगे बात करते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपके आपके पास क्या-क्या रहना जरूरी है। तो पहले तो आप जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है उसको बढ़िया से पढ़ लें। आवेदन पत्र भरने से पहले अभ्यर्थी निम्नलिखित विवरण अपने पास रखना सुनिश्चित करें। अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, हाई स्कूल के अंक पत्र के अनुसार, माता का नाम, आधार कार्ड नंबर और अभिभावक और अपना मोबाइल और ईमेल आईडी और स्थायी पता। उसके बाद अभ्यर्थी का फोटोग्राफ और सिग्नेचर जो है कि करना चाहिए, और दाहिने हाथ की अंगुली का जो आपका थंब इम्प्रेशन होना चाहिए। और अगर आपके पास स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट है तो भी लगा सकते हैं। और अपने शैक्षणिक जो अपना एकेडमी का रिकॉर्ड है, जैसे हाई स्कूल इंटरमीडिएट का मार्कशीट और प्रमाण पत्र, उसके बाद आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, अगर फिजिकली चैलेंज है तो उसका प्रमाण पत्र, या फिर फ्रीडम फाइटर है तो उसका प्रमाण पत्र, तो ये आपको क्योंकि अपलोड करना पड़ेगा फॉर्म भरते वक्त। तो फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा उसको डाल के फिर लॉगिन करेंगे, फिर पूरा फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद आपको फ़ी पेमेंट करना होगा, फिर फॉर्म को प्रिंट करके रख लेना है। ये तो हो गया आपको फॉर्म भरने का। अगर आप कहेंगे तो पूरा प्रोसेस हम बता देंगे। अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको हम पूरा फॉर्म भरने का प्रोसेस बताएंगे नए वीडियो में, क्योंकि अभी कोई डिमांड रहे नहीं। ठीक है, अगला जो है आपका, देखिए इसमें, देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के समय निर्देश। देखिए जो डिग्री प्रोग्राम का चयन है, इसमें स्नातक पाठ्यक्रम, ये देखिए जो स्नातक पाठ्यक्रम यूजी के प्रवेश परीक्षा में शामिल होने से पहले अभ्यर्थी आवेदन पत्र में यूजी प्रोग्राम को चुने और अपने अर्हता के अनुसार ग्रुप का पेपर पेपर जो है चुने। जैसे अगर आप बायोलॉजी से हैं तो पीसीबी, मैथ से हैं तो पीसीएम, एग्रीकल्चर से हैं तो पीएजी, या फिर होम साइंस से हैं तो पीएचएस को आपको ग्रुप में डालना पड़ेगा, क्योंकि आप जो डालेंगे आपके इंट्रेंस एग्जाम में वही पेपर बन के आएगा। अगर आप एग्रीकल्चर डालेंगे तो आपके लिए एग्रीकल्चर क्वेश्चन रहेगा, अगर आप मैथ डालेंगे तो आपके लिए मैथ का क्वेश्चन रहेगा, मैथ और फिजिक्स का क्वेश्चन रहेगा। तो ये आप सावधानी बरतिएगा डालते वक्त। और जो पीजी के लिए हैं उनके लिए भी अलग अलग है, एमएचएस है, एमएजी है, एमएफएस, एमएफएस है। तो आपके लिए ये जो लिस्ट नीचे दिया हुआ है आप एनेक्सर में देख लेंगे, वो आपको लिखा है किस ग्रुप के लिए कौन सा कोड है, तो सबके लिए कोड है तो आप समझ गए होंगे। और अपना जो कैटेगरी है वो भरिएगा, और आपका जो है फ़ोटो, सबसे पहली बात जो फ़ोटो आपका जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए, 31 जनवरी 2020 के बाद की फ़ोटो होनी चाहिए आपकी, ठीक है। और उस पर देखिए जैसे ये दिया हुआ है उस पर आपका नाम, आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ, उस पर मतलब जब फ़ोटो खिंचवाइए तो आप ले किसी चीज़ पर लिख के फ़ोटो के साथ वो आपको लेके खड़ा होना होगा, वैसे फ़ोटो आना चाहिए जैसे यहाँ दिया हुआ है, तो वैसे फ़ोटो आपको खिंचवा के यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद राइट जो फिंगर है आपका, उसका थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, बाकी सब है। अगर आपका जो परीक्षा केंद्र है वो अयोध्या है, मेरठ है, बांदा, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, ये 6 जगह आपका सेंटर है, तो आप सेंटर चॉइस कर सकते हैं। और फिर आवेदन का शुल्क 1250 रुपये अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य के लिए, और 1050 रुपये अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। और भी कोई अगर बात आपको समझ नहीं आती है तो हमसे पूछ लीजिएगा कमेंट में। देखिए यहाँ पे जो ग्रुप दिया हुआ है, ग्रुप का पेपर, उसका डिटेल दिया हुआ है, पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अब देखिए पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी देखिए दिया हुआ है, तो उसके लिए पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे दिया हुआ है। पीएजी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री जो एग्रीकल्चर के अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए एग्रीकल्चर रहेगा, जो कला वर्ग के हैं मतलब वो गृह विज्ञान, उनके गृह विज्ञान रहेगा, तो ये भरिएगा। और आपको बता दें इसमें जो टोटल क्वेश्चन होंगे सारे सबके लिए, जनरल स्टडीज़ के 20 क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स अगर मैथ का ग्रुप का है या बायोलॉजी ग्रुप का है तो उसके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री तो रहेगा ही, उसके बाद बायोलॉजी के लिए बायो रहेगा और मैथ के लिए मैथ रहेगा।
टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे जिसके 600 मार्क्स होंगे, क्योंकि 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, एग्रीकल्चर वालों के लिए जनरल स्टडीज 20 नंबर का है, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर फिजिक्स 25 का, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री 25 क्वेश्चन, जियोलॉजी बॉटनी 25 25, फिर आपका जो एग्रीकल्चर है वो रहेगा। होम साइंस के लिए भी ऐसे ही है। और मास्टर डिग्री के लिए आपका एग्रीकल्चर के कोड यहाँ पर दिया हुआ है, एमएससी कम्युनिटी साइंस है तो आपको एमएचएस कोड आपको भरना पड़ेगा, और एग्रीकल्चर है तो एमएजी, तो आप देख सकते हैं कोड नंबर भी दिया हुआ है। तो फॉर्म भरते वक्त तो आपको पहले ये पूरी तरह से देख लीजिएगा, उसके बाद फॉर्म भरिए। आप कहेंगे तो हम फॉर्म भरने का तरीका बता देंगे। ठीक है,